हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन का मैथ डिसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल नंबर्स। चैप्टर नंबर 3B है, तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल नंबर्स। तो डिसिमल नंबर का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। एक्सरसाइज 3B है, आप देख सकते हैं, आर एस अग्रवाल की बुक है, ये है आपकी आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स क्लास सेवन का। तो एक्सरसाइज 3B का पहला है ऐड करना है, इसको ऊपर लिखा हुआ ऐड। तो ये आपके कुछ नंबर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दिए गए हैं, तो इनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो पॉज करके और नंबर लिख लेता हूँ और उसके बाद से आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो ये नंबर मैंने लिख लिया है, आप देख सकते हैं 16, 8.7 कॉलम में लिख लीजिए। जो वन प्लेस पर है उसके सामने वन वाले नंबर लिखना है, 10 प्लेस में एक ही नंबर है ये, वैसे ही जो डिसिमल में है उसको 10th, 100th या जितने भी नंबर होंगे वैसे ही कॉलम बना के लिखना है और फिर इसको लाइक डिसिमल्स में कर लेना है। तो अगर हम 16.00 कर ले तो वैल्यू हमारा सेम रहेगा। यहाँ क्यों दो ही जीरो डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम डिजिट्स है डिसिमल के बाद वो दो है, तो वैसे ही सबको हम डबल डिजिट में कर लेंगे, दो दो डिजिट कर लेंगे डिसिमल्स के बाद। दो डिजिट होने के बाद से आपको बहुत आसान हो जाएगा जोड़ना। तो आप देख सकते हैं अब ये लाइक डिसिमल्स में हो गए हैं, अब इसको हम जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए करना क्या है, जस्ट 7 and 4 जैसे सिंपल आप एडिशन करते हैं वैसे जोड़ लेना है। तो 7, 4, 11 सेवन, इसमें से वन कैरी हो जाएगा, 7, 1, 8 and 9 17 and 8 25 and 7 32। फिर यहाँ से 3 कैरी हो गया, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कैरी, अगर चाहे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, आपको जोड़ने में आसानी होगी। अगर नहीं लिखेंगे तो भी, मैं तो नहीं लिखता हूँ तो मैं ऐसे ही जोड़ लूंगा। तो 6, 3, 9 and 8 17 and 6 23 and 7 30, फिर 3 कैरी हो जाएगा, 3 and 1 4। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, 40.21 हमारा आंसर आ गया। सभी एडिशन ऐसे ही बनेंगे, सब्ट्रैक्शन भी लगभग वैसे ही बनेंगे, कॉलम में लिख कर ऐड कर लेना है। फिर भी एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, बनाकर दिखा देते हैं कि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो 8 नंबर सबसे पहले मैं पॉज करके लिख लूं, तो ये मैंने 8 नंबर लिख लिया है। अब सबसे पहले रूल वही है कि सबसे पहले इसको लाइक डिसिमल्स में कर लेना है। तो लाइक डिसिमल्स के लिए यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 है 2 है 3 है, तो 3 को जो है जितने भी डिजिट्स हैं डिसिमल्स के बाद सबको 3 कर लेंगे। तो उसके लिए हम 0 ऐड करते हैं, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लास्ट में हम 0 ऐड कर दिए। अब जो है इसको जोड़ना आसान हो गया बिल्कुल, 9 9 18 9 1 10 9 19 9 9 28, 2 कैरी हो जाएगा, 9 to 11 9 20 and 9 29, यहां से फिर 2 कैरी हो जाएगा, 9 and 2 11 9 20 and 9 29, यहां पे फिर 2 कैरी हो गया 9 2, तो 119.988 ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है, सब्ट्रैक्शन को भी सबसे पहले लाइक डिसिमल में कीजिए और उसके बाद से उसको बदल दीजिए। यहाँ पे आप 9 नंबर आप देख सकते हैं, तो इसको भी लाइक डिसिमल में लिख लीजिए जैसे मैं लिखता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने नंबर 9 लिख लिया है, आप देख सकते हैं, तो जस्ट सिंपल एज आपने जो एडिशन में किया था वैसे ही करना है, सब्ट्रैक्ट जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस डिसिमल को डिसिमल के जगह पे वैसे ही ला देना है। तो यहाँ पे 3 जो है, 3 में से 9 को माइनस करना है जो कि नहीं होगा, तो इसमें से बोरो करेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 बचा हुआ है, तो फिर ये इसमें से एक बोरो करेगा, तो यहाँ 13 हो जाएगा, और 13 में से 7 हम निकालेंगे तो 6 बच जाएगा। यहाँ पे अब एक इसने लेंड कर दिया है, दे दिया है, तो यहाँ पे 1 है, तो फिर ये इसमें से बोरो कर लेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 4 7, यहाँ पे फिर 6 बच गया है, 6 में से 1 5, तो ये आपका आंसर हो गया। ये 40 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, रूल वही है
तो 5.05 में से आपको 0.4678 को माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक डिसिमल में बदल लेंगे। तो आइए मैं वीडियो पॉज करके पहले लिख लूं। तो ये मैंने लिख लिया है 5.05, उसमें से आप माइनस कर लीजिए 0.4678। तो इसको लाइक डिसिमल में बदलने के लिए वही रूल है, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। अब जो है यहाँ भी 4 डिजिट हो गया, यहाँ भी 4 डिजिट हो गया, अब माइनस करना आसान हो गया। तो यहाँ पे 0 में से 8 नहीं माइनस हो पाएगा, तो यहाँ से वो बोरो करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 2, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 7 2, यहाँ पे क्योंकि इसमें से बोरो किया गया है तो ये 4 है, तो अब ये कुछ छोटा है 6 है, तो फिर यहाँ से ये बोरो करेगा तो ये 10 होगा, 10 से ये बोरो करेगा तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 9 बचा है तो 9 में से 4 5, डिसिमल को ऐसे ही ला देंगे, और यहाँ पे हमारा 4 है तो 4, तो हमारा जो आंसर हो गया 4.5822, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जितने भी सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है सब सेम आपको लाइक डिसिमल्स करना है और उसमें से माइनस कर लेना है। सेम है आपको 17 नंबर में जो क्वेश्चन है, टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। तो 9.1 मैं लिख देख के बता देता हूं, आप माइनस खुद से करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, तो 17 नंबर को हमने यहां लिख लिया है 9.1, और इसको लाइक करने के लिए, लाइक डिसिमल्स में बदलने के लिए 2 जीरो ऐड कर दिया है, और यहाँ पे 5.746, तो 3 डिजिट ये भी है, 3 डिजिट ये भी है। तो आप जो है डिसिमल को एज इट इज लिख लीजिए और यहाँ से माइनस करते जाइए, जस्ट सिंपल जैसे बाकी का सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही यहाँ पे माइनस करके आप आंसर अपना बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराइए नहीं और आसानी से इसको बना लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन, What is to be added to 63.58 to get 92? तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे के 92 हो जाएगा, तो इसको सिंपल है 92 में से इसको माइनस कर लीजिए, वो नंबर इसमें जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले आप यहाँ पे 92 लिख लीजिए, 92 छोड़ दीजिए, अभी आप नीचे का नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे 63.5 है तो यहाँ पे आप 63.58 कर लीजिए, ये 18 नंबर है, और इसको लाइक डिसिमल में करने के लिए यहाँ पे 00 कर लीजिए, वैल्यू नहीं बदलता है। अब इसको माइनस करना बिल्कुल आसान हो गया, तो 10 में से 8 2, यहाँ 9 है, 9 में से 5 4, यहाँ 1 है तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 8, यहाँ 8 है, 8 में से 6 2, तो मतलब कि हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऐड करने से होता है कि नहीं, 8 2 10 1 कैरी, 4 1 5 5 10 1 कैरी, 8 1 9 एंड 3 12 1 कैरी, 2 1 3 एंड 6 9, तो हमारा ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप सब सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 19 नंबर, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1 टू गेट 0.83, तो क्या इसमें से माइनस करेंगे कि ये आ जाएगा, तो उसके लिए हम बस इसी को इसमें से माइनस कर लेते हैं और वही चीज फिर इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम सबसे पहले किसमें से माइनस करना है, 8.1 में से माइनस करना है, तो 19 नंबर के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे 8.1, उसके बाद से हम नीचे लिख लेंगे 0.813। अब जो है इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले इसको लाइक डिसिमल कर लेते हैं, लाइक डिसिमल करने के लिए यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, और 0 लिखने के बाद से यहाँ से माइनस करना आसान हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 9 माइनस 1, यहाँ 0 है तो फिर 10 कर लेंगे 10, तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, और जो भी आपका आएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन सेम है, बस एक 22 नंबर हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद से चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो 22 में कह रहा है कि रोहित परचेज ए नोटबुक फॉर 23.75 रुपीज एंड पेंसिल फॉर रुपीज 2.85 एंड पेन फॉर रुपीज
15.90, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.90। ही गेव 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, उसने 50 रुपीज का नोट दिया शॉपकीपर को। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बाय, तो उसके लिए करेंगे क्या कि वो जितना अमाउंट का सामान लिया है उसको सबसे पहले ऐड कर लेंगे और 50 रुपीज में से उसको माइनस कर लेते हैं। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये हो गया हमारा रोहित का खरीदा हुआ सामान, नोटबुक 2375, पेंसिल 2.85 एंड पेन 15.90। तो ये सब हम ऐड कर लेंगे तो टोटल इतने का सामान खरीदा है। तो आइए ऐड कर लेते हैं 5 5 10 1 7 8 8 16 एंड 9 25, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 5 एंड 2 7 एंड 5 12 1 2 1 3 1 4। तो ये टोटल उसने इतने रुपये का सामान दुकानदार से लिया है 42 रुपीज 50 पैसे का। अब कह रहा है कि उसने जो है 50 रुपीज दिया है, 50 रुपीज का नोट दिया है तो दुकानदार को कितना वापस करना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, 50 रुपीज में से 42 रुपीज को घटा देंगे, 42 रुपीज 50 पैसा को घटा लेंगे। तो उसके लिए फिर इसको सबसे पहले तो लाइक डिसमल में करना है, तो ये लाइक डिसमल हो गया और फिर माइनस कर लेंगे तो जीरो, यहाँ पे ये कैरी छोटा है तो बोरो करेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 2 7 और यहाँ 4 में से 4, तो ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 7 रुपीज 50 पैसा दुकानदार उसको वापस करेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल आसान है, आप आसानी से ये पूरा लेसन आप खत्म कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3B को जल्दी से बनाकर और मेरे पास भेजिए, पोस्ट कीजिए।